ऑरा 200 प्रो लास्ट मंथ ही यूके में अपना डेब्यू किया था और इन स्मार्टफोन के इंडिया लॉन्च के बारे में भी कहा गया था, काफ़ी सारी रिपोर्ट्स निकल के सामने आए थे। हालांकि ऑनर की तरफ से कोई ऑफिशियली लॉन्च डेट एग्जैक्टली निकल के सामने नहीं आई, लेकिन अमेजन इंडिया पे इन दोनों स्मार्टफोन को लिस्ट किया गया, जहां पे इनकी माइक्रोसाइट भी लाइव करी गई। हालांकि माइक्रोसाइट में कोई स्पेसिफिकेशंस नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन कमिंग सून टैग के साथ जरूर इन दोनों स्मार्टफोन को लिस्ट किया गया है। हालांकि रिपोर्ट्स यही कहे जा रहा है कि जो यूके में मॉडल लॉन्च हुए थे एग्जैक्टली वही स्पेसिफिकेशंस के साथ लॉन्च किए जाएंगे, यानी कि ऑनर के 200 में हमें स्नैपड्रैगन 7 जेन 3 वाला एसओसी और इसके प्रो मॉडल में यानी ऑनर 200 प्रो में हमें स्नैपड्रैगन एस जेन 3 वाला एसओसी देखने को मिलेगा। साथ ही दोनों स्मार्टफोन में फुल एचडी प्लस ओएलईडी की डिस्प्ले, साथ ही में 50 मेगापिक्सल का एक ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और 5200 mAh की बैटरी के साथ 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी पॉसिबल इन दोनों स्मार्टफोन पे देखने को मिलेगा। हालांकि ये एग्जैक्टली इंडिया में कब लॉन्च होंगे इसके बारे में फिलहाल अभी अननोन है, क्योंकि अभी केवल इन दोनों स्मार्टफोन का अमेजन इंडिया की वेबसाइट पे केवल कमिंग सून का पेज ही लिस्ट किया गया है, तो ताकि इन दोनों के बारे में थोड़ा सा डिटेल जानने में परेशानी होगी, लेकिन आज के इस वीडियो में थोड़ा सा इन्हीं दोनों स्मार्टफोन पर रोशनी डालेंगे कि आखिर एग्जैक्टली क्या होंगे। अमेजन इंडिया के वेबसाइट पर इन दोनों स्मार्टफोन का लैंडिंग पेज अभी भी लाइव है। हालांकि ये लैंडिंग पेज यानी वेबसाइट इन दोनों स्मार्टफोन के एग्जैक्टली लॉन्च डेट को स्पेसिफाई नहीं करती है, केवल कमिंग सून वाले टैग के साथ पेज को लिस्ट किया गया, जिसमें आप इच्छुक ग्राहक लॉन्च के नवीनतम अपडेट्स के बारे में जानने के लिए इस वाले चैनल की नीचे की तरफ जो सब्सक्राइब वाले बटन दिए उस पर दबा के बेल नोटिफिकेशन के साथ जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस मार्केट में इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में आपको डिटेल्स के साथ जरूर सूचित कर सकूँ कि आखिर एग्जैक्टली इन दोनों स्मार्टफोन में हमें क्या देखने को मिलेगा। हालांकि इस वाले लैंडिंग पेज में केवल पीछे की तरफ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ केवल रियर डिज़ाइन को शोकेस किया गया है, साथ ही में 5G स्मार्टफोन होगा और एक बढ़िया पावरफुल प्रोसेसर भी इन दोनों स्मार्टफोन पर देखने को मिलेगा। हाल ही में मॉडल नंबर ELP NX9 के साथ ऑनर 200 प्रो इंडिया की BIS सर्टिफिकेशन पर लिस्ट हुआ था। हालांकि सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर इस वाले फोन के लॉन्च डेट के बारे में नहीं पता चला था, लेकिन आज इतना जरूर उम्मीदें की जा रही थी कि दोनों स्मार्टफोन जुलाई मंथ में हमें डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। हालांकि बहुत ही जल्दी ऑनर इंडिया की तरफ से यानी हाईटेक सब डायरीज है जो कि इंडिया में माधव सेठ इसके CEO है, उनकी तरफ से बहुत ही जल्दी इन दोनों स्मार्टफोन के ऑफिशियली लॉन्च को इंटीमेट जरूर किया जा सकता है। हालांकि अब अगर इन दोनों स्मार्टफोन के लॉन्च के बारे में तो छोड़ो, लेकिन अगर अमेजन इंडिया के बारे में इंडिया में पेज अगर लिस्ट हुए तो पॉसिबल ही है कि जल्दी हमें देखने को मिल सकते हो। साथ के साथ EBI सर्टिफिकेशन पर लिस्ट हुए नहीं कि 15-20 दिन में फोन लॉन्च यानी जुलाई मंथ में ऑफिशियली दोनों स्मार्टफोन लॉन्च किए जा सकते हैं। ऑनर 200 सीरीज में दो प्रभावशाली स्मार्टफोन यानी ऑनर 200, 200 प्रो स्मार्टफोन देखने को मिल सकते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से इन दोनों स्मार्टफोन के कुछ विशेष फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस पर थोड़ा गहनता से नज़र डालेंगे कि एग्जैक्टली इन दोनों स्मार्टफोन में हमें क्या नया देखने को मिलेगा और क्या नया पॉसिबल इसमें हो सकता है। ऑनर 200 में हमें 6.7 इंच का एक फुल एचडी प्लस कर्व ओएलईडी डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिसमें जो 2664x1200 तक की पिक्सल रेजोल्यूशन और स्मूथ विजुअल्स के लिए इसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। साथ ही वाली डिस्प्ले में हमें 4000 nits तक की पीक ब्राइटनेस का भी सपोर्ट पॉसिबली देखने को मिलेगा। डिस्प्ले काफ़ी एडवांस हमें देखने को मिलेगी, हालांकि कर्व डिस्प्ले होगी। दूसरी चीज़ अगर बात की जाती है इस वाले स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 7 जेन 3 चिपसेट पॉसिबली देखने को मिलेगा। साथ ही वाले स्मार्टफोन में एक 16GB तक की रैम और 512GB तक की स्टोरेज ऑप्शन भी हमें देखने को मिलेगी। मल्टीटास्किंग के लिए रैम काफ़ी ज़्यादा है, मतलब ठीक ठाक है, एडवांस है। दूसरी चीज़ स्टोरेज कैपेबिलिटीज़ भी इसमें एडवांस हमें देखने को मिलेगी। हालांकि ये कहीं भी मेंशन नहीं किया गया कि आखिर इस वाले स्मार्टफोन में हमें क्या डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड का सपोर्ट देखने को मिलेगा या फिर ये इतना ही पर्याप्त है इन दोनों स्मार्टफोन के लिए। फोटोग्राफी के मामले में अगर बात की जाए तो ऑनर 200 में हमें पीछे की तरफ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें मेन प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का होगा, एक 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर होगा। और दूसरी चीज़ अगर बात की जाए तो इस वाले स्मार्टफोन में एक 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर भी देखने को मिलेगा। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा पॉसिबली देखने को मिलेगा इस वाले स्मार्टफोन में एक 5200 mAh की बैटरी होगी, जिसमें 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। साथ ही कुछ और बात की जाए तो वाले स्मार्टफोन एंड्रॉयड 14 पर बेस्ड होगा, जिसमें हमें मैजिक OX 8.0 रन करेगा। हालांकि फोन्स यूजर इंटरफेस के बारे में अगर बात की जाए तो काफ़ी एडवांस देखने को मिल सकता है। अगर वहीं अदर फीचर्स के बारे में बात की जाए तो इस वाले स्मार्टफोन में डुअल स्टीरियो स्पीकर के साथ 5G कनेक्टिविटी, वाईफाई, ब्लूटूथ
के साथ साथ इस वाले स्मार्टफोन में एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलेगा। साथ में लंबे समय तक यूज के दौरान तनाव को कम करने के लिए मल्टीपल आई प्रोटेक्शन सर्टिफिकेशन भी इस वाले स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। अब वहीं अगर 200 प्रो के बारे में बात की जाए तो इस वाले स्मार्टफोन में थोड़ी सी बड़ी डिस्प्ले यानी 6.78 इंच की डिस्प्ले जिसमें फुल एचडी प्लस का रेजुलेशन होगा। साथ ही वे इस वाले डिस्प्ले में 2724 का पिक्सल रेजुलेशन और साथ ही में सेम पीक ब्राइटनेस के साथ साथ एडवांस डिमिंग फीचर्स का भी सपोर्ट पॉसिबल इस वाले डिस्प्ले में देखने को मिलेगा। मैंने कहा ना कि डिस्प्ले थोड़ी सी एडवांस हो सकती है प्रो मॉडल में। इस वाले स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 वाला प्रोसेसर होगा। साथ ही में इसमें 16GB तक की रैम और 1TB तक की स्टोरेज देखने को मिलेगी। हालांकि स्टोरेज टाइप और रैम टाइप के बारे में फिलहाल पता नहीं चला, लेकिन पॉसिबल रिसोर्स यही कह रहे हैं कि इसमें एडवांस टेक्निक का भी यूज किया जाएगा। हालांकि कैमरा डिपार्टमेंट के बारे में बात की जाए तो अपने भाई बहनों के समान ही है, बस केवल इसमें एक डेप्थ कैमरा भी जोड़ा गया है जो कि पोर्ट्रेट फोटोग्राफी और AR एप्लीकेशंस को सपोर्ट करेगा। साथ ही इस वाले स्मार्टफोन में कुछ डिमांडिंग एप्लीकेशंस के लिए एक मजबूत यानी परफॉर्मेंस के लिए एड्रीनो 735 का GPU भी ऐड किया गया। वहीं अगर इस वाले स्मार्टफोन के कैमरा फीचर्स के बारे में बात किया जाए तो हाँ, 50MP का इसमें फ्रंट कैमरा मिलेगा जिसमें भी हमें एक 3D डेप्थ कैमरा भी देखने को मिल सकता है। सेम नॉन प्रो मॉडल के जैसे इसमें 5200mAh की बैटरी होगी, 100W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होगा, लेकिन इस वाले स्मार्टफोन में एक 66W की वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। ये वाला स्मार्टफोन एंड्रॉयड 14 पर बेस्ड Magic OS 8.0 पर रन करेगा और इतने भारी उपयोग के दौरान फ़ोन को ठंडा रखने के लिए एक बेहतर हीट डिसिपेशन सिस्टम भी इस वाले स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। बाकी नॉर्मली 5G, ब्लूटूथ, स्टीरियो स्पीकर, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, साथ ही ऑनर 200 के जैसे इसमें सारे स्पेसिफिकेशन सेम टू सेम देखने को मिलेंगे जो कि हमें नॉन प्रो मॉडल में देखने को। हालांकि प्राइसिंग के बारे में थोड़ा सा सोर्सेस निकल के सामने आए क्योंकि ग्लोबली इस वाले स्मार्टफोन की प्राइस लगभग 55,000 के आसपास रखी गई है, तो पॉसिबली यही है कि इंडियन मार्केट में दोनों स्मार्टफोन की जो प्राइसेस होगी वो थोड़ा सा डिफरेंट होगी। यानी नॉन प्रो मॉडल की प्राइस हमें 33,000 से 35,000 के आसपास इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगी। अब वहीं अगर प्रो मॉडल्स के बारे में बात की जाए तो प्राइस हमें 40 से